इनकम फ्रॉम सैलरीज में हमारा नेक्स्ट पर्क है एजुकेशन फैसिलिटी, फिफ्थ पर्क। फिफ्थ पर्क इज एजुकेशन फैसिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स को या एम्प्लॉई के चिल्ड्रन को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसकी टैक्सीबिलिटी कैसे रहेगी पर्क की, ये देखते हैं। इसमें अलग अलग केसेस हैं। केस वन देखिए, सबसे पहले केस वन, एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन, एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। आपका एम्प्लॉयर आपके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है इन एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था में जो कि एम्प्लॉयर की खुद की है, इंस्टीट्यूशन ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशन ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर? इसका मतलब हुआ कि एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है, एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल या कॉलेज है, ठीक है जी। एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल या कॉलेज है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बच्चों को उस स्कूल में या उस कॉलेज में मुफ्त पढ़ाई करवा रहा है। यहां पर जो पर्क है दैट विल बी टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ओनली, ठीक है जी। जो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज हैं उनके लिए टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को टैक्स पे करना है। दैट मींस वो थ्री एम्प्लॉइज जिन बारे में हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पर आप वैल्यू ऑफ पर्क क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ पर्क, अगर तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयर का जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का खर्चा है पर चाइल्ड, अगर 1,000 तक ही है पर मंथ, 1,000 पर मंथ या उससे कम है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को भी टैक्स पे नहीं करना, नो टैक्स। देखिए नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को तो टैक्स पे करना ही नहीं है, लेकिन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के बच्चे भी अगर उस स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं और एम्प्लॉयर का शिक्षा का जो खर्चा है वो प्रति चाइल्ड 1,000 पर मंथ से कम है या 1,000 पर मंथ है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को भी टैक्स पे नहीं करना, ठीक है जी। सेकंड, अगर शिक्षा प्रदान करने की जो कॉस्ट है, शिक्षा प्रदान करने का खर्चा प्रति चाइल्ड अगर 1,000 पर मंथ से ज्यादा आता है, उस केस में स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को टैक्स पे करना है। और कितना पे करना है? जितनी कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, जितनी कॉस्ट है लेस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना एम्प्लॉय से रिकवर किया वो माइनस कर दीजिए, जो रिमेनिंग है दैट विल बी वैल्यू ऑफ वर्क, ठीक है जी। दिस इज केस वन। चलते हैं केस टू पर। ये तो बच्चों की बात हो गई, अब कोई अन्य सदस्य, एजुकेशन फैसिलिटी टू अदर मेंबर्स, टू अदर मेंबर्स ऑफ हाउसहोल्ड, एम्प्लॉई के घर के अन्य सदस्य, चिल्ड्रन को छोड़कर अदर मेंबर्स,
मान लीजिए इम्प्लॉय की पत्नी है या इम्प्लॉय के ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, अन्य सदस्य हैं इम्प्लॉय के परिवार के, वो इम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं इन एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल या कॉलेज है, वहां पर एम्प्लॉय के बच्चों को छोड़कर अन्य सदस्य वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में ही टैक्सेबल रहेगा, ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को टैक्स पे नहीं करना। और यहां पर वैल्यू ऑफ पर्क क्या होगा, यहां पर 1,000 वाली कोई शर्त नहीं है, यहां पर टैक्स पे करना ही करना है। और वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूट, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूट इन द लोकेलिटी, आप उस एरिया के आसपास, उस एरिया में देखिए आसपास कोई ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर वो बच्चा पढ़ता या फिर अगर वो मेंबर पढ़ता तो क्या खर्चा आता, लेस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। और यहां पर भी यही है, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर नहीं आएगा, कॉस्ट इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूट इन द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के आसपास देखिए, उस इंस्टीट्यूट के आसपास देखिए, क्या कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज है उसके जैसा ही। अगर वो बच्चा या अगर वो फैमिली मेंबर उस दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता तो क्या खर्चा आता, वो ले लीजिए माइनस रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क इन द सेकेंड केस। केस थ्री, एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन एंड अदर मेंबर्स, यहां पे बच्चे भी आ गए और अदर मेंबर्स भी आ गए, अदर मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉय इन अदर इंस्टीट्यूशंस। अदर इंस्टीट्यूशंस मतलब यहां पर जो स्कूल या कॉलेज है वो एम्प्लॉयर का नहीं है, कोई अन्य इंस्टीट्यूट है, कोई अन्य संस्था है, वहां पर आप अपने बच्चों को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को पढ़ा रहे हैं, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड वैल्यू ऑफ पर्क क्या रहेगा, ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए एम्प्लॉयर खर्चा दे रहा है, तो जितना खर्चा एम्प्लॉयर का हो रहा है, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर लेस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क। देखिए अब तक क्या करा हमने, इन दो केसेस में हमने देखा कि जो स्कूल या कॉलेज है वो एम्प्लॉयर का खुद का है, एम्प्लॉयर के खुद के स्कूल या कॉलेज में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं फर्स्ट केस, एम्प्लॉयर के खुद के इंस्टीट्यूट में आप अपने किसी अन्य सदस्य को पढ़ा रहे हैं, दो केसेस हो गए। दोनों में ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में ही टैक्स लगेगा, नॉन स्पेसिफाइड को टैक्स पे नहीं करना। फर्स्ट केस में अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो वैल्यू ऑफ वर्क कैसे निकलेगा,
अगर तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1,000 प्रति मंथ या 1,000 प्रति प्रति माह से कम है तो वहां पर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को भी टैक्स पे नहीं करना, लेकिन जहां पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1,000 से ज्यादा है वहां पर आप देखेंगे उसी तरह का दूसरा इंस्टीट्यूट, उसी तरह के दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ता वो बच्चा तो कितना खर्चा होता वो लेंगे माइनस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। और केस टू में आपका 1,000 वाली कोई कंडीशन नहीं है, आप डायरेक्टली सिमिलर इंस्टीट्यूट देख लेंगे उसमें से एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है जो एम्प्लॉय से रिकवर हुआ वो माइनस कर देंगे एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क। और थर्ड केस है जहां पर जो इंस्टीट्यूशन है वो एम्प्लॉयर का नहीं है, कोई अन्य इंस्टीट्यूट है, वहां पर आपके बच्चे या आपके घर के सदस्य पढ़ रहे हैं लेकिन लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, वहां पर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर में से आप रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ वर्क आ जाएगी। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस फोर, पेमेंट ऑफ स्कूल फीस। पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफ एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, एम्प्लॉय के बच्चों की स्कूल की फीस एम्प्लॉयर जमा कर रहा है डायरेक्टली टू द स्कूल, स्कूल को डायरेक्टली पे कर रहा है एम्प्लॉयर। यहां पर स्पेसिफाइड प्लस नॉन स्पेसिफाइड सब तरह के एम्प्लॉयज को टैक्स पे करना है और वैल्यू ऑफ वर्क क्या रहेगी, वैल्यू ऑफ वर्क विल बी इक्वल टू जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया, अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। कभी कभी आपका एम्प्लॉयर क्या है डायरेक्टली स्कूल में फीस जमा करवा देता है आपके बिहाफ पर, तो जितनी फीस एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर जमा करवाई दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क। केस फाइव, रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट ऑफ स्कूल फीस ऑफ एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, एम्प्लॉय अपने बच्चों की फीस खुद पे कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर रहा है। रीइंबर्स मतलब पहले तू पे कर दे बाद में तुझे मैं दे दूंगा। मान लीजिए आपका खर्चा हुआ 1,000, मैंने आपको बोला 1,000 आप जाकर पे कराइए बाद में मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगी, मैं आपको ये 1,000 रुपीज वापस कर दूंगी, दिस इज व्हाट इज नोन एज रीइंबर्समेंट। तो यहाँ पर इम्प्लॉई अपने बच्चों की स्कूल की फीस खुद पे कर रहा है लेकिन बाद में इम्प्लॉयर इम्प्लॉई को रीइंबर्स कर रहा है कि पहले तुम पे कर दो बाद में तुम्हें मैं पे कर दूंगा। तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, इम्प्लॉयर के ऊपर आ रहा है। दिस इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड बोथ। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ वर्क क्या होगी, जितना एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है, अमाउंट रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पे कर रहा है वो आपकी वैल्यू ऑफ वर्क होगी। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में साथ साथ पूछ सकते हैं। अलाउंस के केस में हमने किया था कि दो बच्चे अलाउंसेस जब हमने करे थे तो वहां पर हमने फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस किया था, जब हमने एजुकेशन अलाउंस किया था फिक्स्ड एजुकेशन अलाउंस कितना किया था, सीसीए चिल्ड्रन एजुके सी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सीईए 100 पर मंथ का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था। और वहां पर हमने क्या किया था कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको
मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, 2 चिल्ड्रन के लिए मिल सकता है, तो ही वो नॉन टैक्सेबल होता है। उसके बाद टैक्स लगना शुरू हो जाता है, वो भी जो 100 पर मंथ की जो छूट होती है, एग्जेम्पशन होती है, वो 2 बच्चों के लिए ही मिला करती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की। लेकिन यहाँ पर बच्चों पे कोई लिमिट नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे कितने भी बच्चे हों और कितने ही बच्चों की आप एजुकेशन फैसिलिटी आप मुफ्त में ले रहे हों, यहाँ पे बच्चों के ऊपर कोई रोक नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं, 3, 4, 5। लेकिन जब हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करते थे, वहाँ पर 100 प्रति मंथ की जब हम बात करते थे, तो आप मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक ही वो एग्जेम्पशन ले सकते थे। ऐसा भी हो सकता है कि हमें एजुकेशन के लिए अलाउंसेस भी मिलें और पर्क भी। नहीं बेटा, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। नितिश, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। या अलाउंस ले लीजिए या पर्क ले लीजिए, दोनों नहीं ले सकते। सो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर कोई रोक नहीं है। इलस्ट्रेशन देखते हैं 16th आपकी बुक की। 3 चिल्ड्रन ऑफ श्रीमती इंदु, एक श्रीमती इंदु हैं, उनके 3 बच्चे हैं, और ये श्रीमती इंदु जो हैं वो डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर इन XYZ लिमिटेड। उसके 3 बच्चे जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं इन अ स्कूल दैट इज रन बाय XYZ लिमिटेड। इंदु के एम्प्लॉयर का जो स्कूल है उसी में पढ़ रहे हैं उसके बच्चे। जो स्कूल की फीस है दैट इज 2200 पर मंथ पर स्टूडेंट, ये फीस है। बट द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है उससे रिकवर होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से रिकवर करता है ओनली ₹500 पर मंथ पर चाइल्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉई से रिकवर होता है इतना अमाउंट। अगर हम यही फीस दूसरे स्कूल में देखें, सिमिलर स्कूल में, फीस इन अ सिमिलर स्कूल, उस लोकेलिटी के सिमिलर स्कूल में यही फीस है ₹2000 पर मंथ। आपको डिटरमिन करना है वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, आपको ये डिटरमिन करना है। हाँ जी, रिव्यूज चैट बॉक्स में, रिव्यूज। देखिए यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 1000 प्रति मंथ से ज्यादा है। ये देखिए, ये है आपका केस 1, जहाँ पे स्कूल एम्प्लॉयर का है और एम्प्लॉई के बच्चे एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहे हैं। 1000 से ज्यादा है कॉस्ट। हाँ जी है, तो क्या करेंगे आप वैल्यू ऑफ वर्क क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूट इन द लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में अगर दूसरा स्कूल है उसकी कॉस्ट क्या है? 2000 पर मंथ इंटू बच्चे कितने हैं? 3 चिल्ड्रन इंटू 12 महीने, ठीक है जी, माइनस 1000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना,
हाँ जी, 1,000 तक नो टैक्स, 1,000 माइनस कर दीजिए क्योंकि 1,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज एग्जेम्प्ट 1,000। और माइनस रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, एम्प्लॉई से कितना रिकवर हो रहा है? 500 पर मंथ पर चाइल्ड। एक बच्चे का 500, तो तीन बच्चों का 1,500 × 12 मंथ्स। ये सब करके आपका जो वैल्यू ऑफ पर्क आता है, दैट इज 18,000 रुपीज। ठीक है जी। सो उस लोकेलिटी में क्या खर्चा है? माइनस 1,000 माइनस 500। कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में पूछिए क्विकली। सो अब तक हमने क्या किया है, कितने पर्क्स करे हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जी, इस तरह से करते हैं हम। पर्क, स्पेसिफाइड, नॉन स्पेसिफाइड। पर्क फर्स्ट हमने किया था रेंट फ्री एकोमोडेशन का। रेंट फ्री एकोमोडेशन का पर्क किया था, और रेंट फ्री एकोमोडेशन का पर्क स्पेसिफाइड के लिए भी टैक्सेबल है एंड नॉन स्पेसिफाइड के लिए भी टैक्सेबल है। सेकंड, कार फैसिलिटी। अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड के लिए नॉट टैक्सेबल। एंड कार फैसिलिटी, इफ कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई, अगर कार एम्प्लॉई की है तो स्पेसिफाइड के लिए भी टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड के लिए भी टैक्सेबल। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। डोमेस्टिक सर्वेंट्स जैसे कि वॉचमैन, गार्डनर, स्वीपर, अगर अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर हैं, अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर, स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल एंड नॉन स्पेसिफाइड के केस में नॉट टैक्सेबल, अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर एंड वॉचमैन, गार्डनर, स्वीपर एंड अदर डोमेस्टिक सर्वेंट्स, अरेंज्ड बाय एम्प्लॉई बट पेड बाय एम्प्लॉयर, इन दिस केस टैक्सेबल इन बोथ केसेस, स्पेसिफाइड एज वेल एज नॉन स्पेसिफाइड। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, अरेंज्ड बाय एम्प्लॉयर, स्पेसिफाइड में टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड में नॉट टैक्सेबल। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, अरेंज्ड बाय एम्प्लॉई बट पेड बाय एम्प्लॉयर, दोनों में टैक्सेबल। एजुकेशन फैसिलिटी,
इन द नेम ऑफ एम्प्लॉई, बिल्स अगर एम्प्लॉई के नेम पर हैं, स्पेसिफाइड में भी नॉन स्पेसिफाइड में भी टैक्सेबल, एंड एजुकेशन फैसिलिटी अदर केसेस ओनली स्पेसिफाइड में टैक्सेबल, नॉन स्पेसिफाइड में नॉट टैक्सेबल। ये पर्क्स हैं जो हम अब तक कर चुके हैं, ये आपकी क्विक रिविजन है कि इन केसेस में स्पेसिफाइड या नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में कैसे टैक्सेबिलिटी रहती है। सो ऐसे ही हम जब दो तीन पर्क्स और करेंगे फिर से हम दोबारा से ये चार्ट बनाएंगे ताकि आपकी रिविजन भी होती रहे। एजुकेशन फैसिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो रूल एप्लीकेबल होता है दैट इज रूल 3-5। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट्स हैं तो चैट बॉक्स में डालिए क्विकली।